हमारी ब्राइड ने कहा कि रात पर बैठी हुई सिग्नेचर सीख रही है अपने, और क्या कहते हैं उसको, स्पोर्ट हम देखते हैं कि वो क्या कर रही है, वो कैसे सिग्नेचर करना चाह रहे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी माहिन खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं जी आप सब, उम्मीद आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो आज का व्लॉग ना बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है, और इसमें करना ये है कि आप लोगों को मैं एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि हम अभी जा रहे हैं ब्राइड के लिए शॉपिंग करने, और उसके लिए कुछ ड्रेसेस लेने के लिए। वो किस लिए ड्रेसेस लेने हैं, क्या लेना है, उसके लिए क्यों लेना है, ये आप लोगों को पता लगेगा अगले व्लॉग में। मेरा करें चैनल सब्सक्राइब ताकि आप लोग मेरे फैमिली का हिस्सा बने और आप लोग मेरी हर आने वाली वीडियोस देख सकें। सो यस, हम लोग पहुंच आए हैं, और ड्रेसेस वैसे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। सो हम लोग चलते हैं, देखते हैं, कुछ पसंद आता है तो आप लोग से जरूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि क्या ड्रेस लिया है उसके लिए। ड्रेसेस देख तो रहे हैं बट कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। बेस्ट ड्रेस हम लोगों ने ले लिया है, और किस लिए लिया है, क्यों लिया है, यार लोगों को तब पता चलेगा। फटाफट से हम लोग चलते हैं और बाकी काम करते हैं, ड्रेस रखवाते हैं यहाँ पे। ड्रेस रखो अंदर। सो यस, हम लोग अब चलते हैं, बाकी काम करते हैं। उनको पता ही होता है वैसे, मैं बताती हूँ तुझे जरूर जा। अच्छा ये दुपट्टा है, कबूल है वाला। कलर जो है ना वो वाला प्यारा लग रहा है, बट उसके अंदर तो ये है। सो यस, कायनात ये जो है वो ले लिया है, हम लोगों ने दुपट्टा ले लिया है, अब उसके आर्टिफिशियल मैडम के नेल ढूंढ रहे हैं। सो यस, दुपट्टा कायनात का हम लोगों ने ले लिया है, दुपट्टा कबूल है वाला उनकी डिमांड के ऊपर। सो अब हम लेने लगे हैं मैडम के नकली नेल्स, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी इतनी मेहनत लग रही है, वैसे कोई शॉपिंग करना भी आसान काम नहीं है। सो कीप वॉचिंग। सो यस, हम लोग लेने आए हैं बहन के लिए फ्रेंच नेल। पीछे लग रहे हैं, ये वाले पीछे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ये वाले, है ना, जो हैं ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो यस, ब्राइड की मेहंदी लग रही है इस वक्त, और वो बैठी हुई है हमारी ब्राइड और मेहंदी लगवा रही हैं, और अभी मैंने भी मेहंदी लगवानी है। सो फटाफट से हम लोग ये काम करते हैं, फिर घर जाना है, घर के बहुत सारे काम हैं। सो वो सब भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, तो बहुत मज़े का व्लॉग आने वाला है, और आप लोगों को बहुत मज़े का लगेगा। हम लोग की तैयारियाँ सारी जो भी की हैं थ्रू आउट सुबह से लेकर अब तक, इतने सारे काम कर चुके हैं, अभी घर जाके बहुत सारे काम रहते हैं। सो देखते हैं ब्राइड कैसी मेहंदी लगा रही है। दिखाओ वो, दिखाओ, बहुत प्यारी लग रही है, और ये भी देखो। सो यस, मैं जब से लॉन हम लोग पहुंचे अपनी सिस्टर के साथ, तो जो पता लगा कि वो बंद होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि बस किसी एक बंदे की जो है वो मेहंदी लग सकती है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप कुछ भी करें, बस मेरी बहन की मेहंदी लगा दें खुशी खुशी, ताकि उसका कल निकाल सुकून से, वो उसका कोई मूड ना अपसेट हो जाए कि मेरी मेहंदी नहीं लगी। तो फिर मैंने उसका कहा कि आप चलो तुम लगवा लो। तो मैं जब घर आई, तो मेरी एक बड़ी बहन ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मेहंदी लगा दूँ, उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। तो मैंने, उसने मेरी देखा कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है, और यकीन करें मुझे लगता है सैलून वालों से भी ज़्यादा अच्छी उसने मुझे मेहंदी लगा दी है। सो खैर, अब मैं दूसरे हाथ पर लगाती हूँ, दोनों हाथों पर लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। सो यस, कल जो है हमारी जो बहन का है निकाह, और हमारी ब्राइड ने कहा कि रात पर बैठी हुई सिग्नेचर सीख रही है अपने, और क्या कहते हैं उसको, स्पोर्ट हम देखते हैं कि वो क्या कर रही है, वो कैसे सिग्नेचर करना चाह रही है, कैसे सिग्नेचर सीख रही है। रुके, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कैसे कर रही हो कायनात सिग्नेचर आप।
चेक कर रही हूं मैं। अच्छा अभी भाई जो है ब्राइड वो सिग्नेचर चेक कर रही हैं, सो अभी वो जो है सिग्नेचर चेक कर रही हैं। सो खैर अब तक उसको आ जाना चाहिए, इवन के आईडी कार्ड पे सिग्नेचर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार जो है प्रैक्टिस कर रही हैं कि जो मेरे सिग्नेचर ठीक हो जाए। सो खैर एक और स्टोरी जो है वो ये है कि अभी उसने लगवाई है सलोन से मेहंदी और ये हुआ है कि उसका हाथ जो है वो शदीद जल रहा है इतना ज़्यादा कि मतलब बहुत ज़्यादा उसको जलन हो रही है। जो मैंने लगवाई है वो तो मैंने सो आप लोग भी एहतियात क्या करें, मैंने तो घर में लगवाई है तो उस वजह से हाथ इतना नहीं मेरा तो बिल्कुल भी नहीं जल रहा, उसका जो है वो हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा है। सो आप लोग भी एहतियात करें, पता नहीं उसे कौन सी मेहंदी लगाई जो उसका हाथ जल रहा है। सो खैर दुआ में याद रखें और कपल को भी दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट मुझे करके लास्ट बताएं कि आप लोगों ने कहा कि तैयारियों का ब्लॉग कैसे लगा। पूरा दिन जो है वो बहुत मेहनत लगी और बाज़ार में गर्मी वगैरह भी बहुत थी, लेकिन शॉपिंग करने का एक अलग मज़ा आया और वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो खैर मैं ब्लॉग करने लगी एंड और कल आऊँगी न्यू ब्लॉग के साथ, निकाह के ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग आने वाला मेरा ब्लॉग देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल आऊँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, दो में याद रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।